अच्छा, सबसे पहले तो हम स्वीपेस चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं, फिर जो आपका ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर ब्लॉक में क्यों नहीं आई, आना चाहिए या कब आती है कब नहीं, इन चीज़ों थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपको स्वीपेस चेंज ऑफ कैरेक्टर में सिर्फ दो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। पहली क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप किस साइड पे हुई है, और ऑपोजिट साइड पर कैंडल बॉडी क्लोज, ठीक है। ये तीन चीजें हैं स्वीप बेस के लिए। पहले पे क्या आती है आपकी, लिक्विड स्वीप, और दूसरे पे कैंडल बॉडी क्लोज। एक सेकंड जरा वेट करें। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने देखनी है सिंपल। ऑपोजिट साइड पे कैंडल बॉडी क्लोज हमें चाहिए। तो यहाँ जिस तरह मैम मुझे जरूर आपको बताइएगा कि विड्रॉ होगा या नहीं होगा, किसका क्योंकि मैम विड्रॉ, आज 72 आवर्स हो गए, 72 घंटे में चलें तो यहाँ अगर हम देखें मार्किन ने क्या किया है, बेसिकली सेल साइड की यानी कि लो साइड की लिपटी को स्वीप किया है, ये स्वीप था। और इसके बाद हमें ऑपोजिट साइड पे क्या चाहिए, कैंडल बॉडी क्लोज। तो ये हमें यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज मिल गई, जिसको हम कहते हैं स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर था इसका। अब जब भी स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर आपका कंफर्म हो जाए तो हम क्या करते हैं, फाइंड एंट्री ऑफर आफ्टर स्वीप बेस चोक विदाउट आईडीएम वी कैन एंटर इन फर्स्ट एफवीजी जोन, फर्स्ट एफवीजी जोन या 50% ऑफ फीबल लेवल। ये मोटी मोटी दो बातें हैं जो हमने याद रखनी है, ठीक है। अब जब मागनिया स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया तो बेसिकली हमने क्या किया, फौरी तौर पे जो भी हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था उसको हाईलाइट कर लें। ये आपका पहला फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें, कितना प्यारा रिएक्शन है। अब ओके, अभी इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था? स्टॉप लॉस के मल्टीपल मेथड हैं। सबसे पहले अगर हम इसी टाइम फ्रेम पे रहते हुए बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल का लो था, ठीक है, जिस ओके कैंडल निफ्टी स्वीप की है, ये कैंडल का लो था, ये हमारी एंट्री थी। ये सेटअप हमने शेयर भी किया था, बल्कि इस तरह नहीं मैंने शेयर किया, मैंने जरा दूसरे अंदाज में किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और इसका टीपी आप देख लें कितना लगा जाके, 1:3 कहाँ बन रहा है, ये इसका 1:3 है तकरीबन। और ये देखें इतने बड़े एसएल के साथ भी 1:3 यहाँ बनता है, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पे थी, अगर आप लोगों ने कल देखा हो चार्ट बिल्कुल इस पॉइंट पे। उसकी रीजन वो भी हम स्टडी करेंगे, उसका इश्यू नहीं, वो भी हम अभी पढ़ लेंगे। अभी के लिए सिर्फ दो से तीन चीजें ये हैं कि सबसे पहले यहाँ लिक्विड स्वीप है, ऊपर क्लोज है, तो पहले फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री। या दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है कि अगर टोटल स्विंग जो स्वीप करती है और एक्सपैंड करती है इसके 50% पे, ठीक है, ये देखिए इसके मार्केट 50% पे भी आई है, और दूसरा कॉन्फ्लुएंस आपका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और तीसरा कॉन्फ्लुएंस आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये आपका कौन सा टाइम फ्रेम है, बेसिकली 1 आवर। अब हम जाते हैं M5 पे, ठीक है, M5 पे मार्केट जैसे ही उस फेयर वैल्यू गैप जोन में आई, ये एफवीजी जोन था इसका, ठीक है। तो दोबारा आगे मार्केट ने आपको कौन सी कंफर्मेशन दी, यहाँ MSS तो नहीं बना, लेकिन मार्केट ने यहाँ दोबारा स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ एक्सपेंड किया यानी ऊपर क्लोज किया, ये आपका फिर अगेन स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद मार्केट आप कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें या फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था या कंप्लीट IUF है ये वाला, ये आपका कंप्लीट एक IUF जोन था ये वाला, ठीक है। अब अगर आपकी यहाँ से बाय मिस हो गई है इस पॉइंट से, सेकेंडली इस पॉइंट से, तो थर्ड मार्केट ने आपको कहाँ कंफर्मेशन दी है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बाय लगाते हैं
इस जगह पे, तो यहाँ से आपका रिस्क और रिवॉर्ड बड़ा प्यारा है। एसएल कहाँ रखूंगा मैं? इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है, यहाँ तक। और टीपी वही जो आपका 1 आर पे बंध रहा है, या आप उसको अचीव कर लें या आप ऊपर वाला कोई लिक्विडिटी जोन निकाल लें। ये देखिए, ये 1:14 का कितना प्यारा सेट होता है, तकरीबन 1:14, ठीक है, वही रूल है, बार बार वही अप्लाई हो रहा है। अब अभी हसनुल्लाह भाई कहते हैं कि कंफर्मेशन ही मिलती है, देखिए आपको इधर ही मैंने आज के ही रिसेंट चार्ट में आपके पास कंफर्मेशन है, स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर, दोबारा अगेन स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर और IUF से एंट्री, ठीक है। सर, जब ये हम कर रहे होते हैं ना उस वक्त सर ये चीजें गायब हो जाती है सर, ये जैसे बिल्कुल ये आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, ये इसमें कोई मजायका नहीं है, ना इस चीज को कोई डिफेंड कर सकता है, मेरे साथ खुद भी ऐसा होता है। मैं खुद भी सम टाइम अर्ली एंट्री ले लेता हूँ, सम टाइम दोबारा से मैं नीचे से एंट्री लेता हूँ, तो फिर मैं जाके पहली एंट्री को कैटर करता हूँ। इसमें कोई ना तो शर्माने वाली बात ना छुपाने वाली होता है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का हुसन यही है कि इसमें ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इसकी दूसरी खूबसूरती यह है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं और आपका अपने सेटअप पे बिलीव है, तो देन यू कैन एंटर एंड यू कैन ट्रेड एनी लेवल, इसमें फिर कोई इश्यू नहीं होता। अब मेरी आपकी तो एक ये एंट्री बन रही है, एक ये बन रही है, दूसरी एंट्री जो हमारी थी कल, आपने शायद ग्रुप में देखा हो, टेलीग्राम पे भी मैंने चार्ट पे भी शेयर किया था, वो थी हमारी M15 पे। अब मैं आपको M15 के चार्ट पे वो दिखाता हूँ कैसे, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बॉटम को टैप किया गया था, उसमें हमने बॉटम को पिक किया था, वो मैं आपको एंट्री थोड़ी सी बता देता हूँ, आप लोगों ने पहले पढ़ी है, जिसको हम कहते हैं चैनल स्ट्रेटजी। ये किस किस ने पढ़ी है? ये मेरा ख्याल है मैं शायद किसी प्रॉपर इस पे कोई लेक्चर नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म है किसी वेबिनार में स्टडी किया था। तो इसमें हम सिर्फ दो जी चीज़ों को सर, स्टडी करते हैं, ठीक है, एक हम इम्पल्स की डायरेक्शन देखते हैं, दूसरा हम क्या देखते हैं, करेक्शन की डायरेक्शन, सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है इसमें, इम्पल्स की डायरेक्शन और करेक्शन की डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में हो रही है, यानी क्या मतलब इस बात के करने का, लाइट सर ये वही 1 2 3 4 5 वाले मेथड है। जी बिल्कुल वही चैनल स्ट्रेटजी, उसी का ही नाम है, उसी की ये वो स्ट्रेटजी है जो कभी मैं 2016-17 में यूज करता था। इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जब मार्केट सेल आती है, ये जरा खुद ही म्यूट कर लिया करें, मुझे कहना भी पड़ता है, मुझे फिर थोड़ा सा होता है कि यार आप लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल भी हैं। एक सेकंड जरा वेट करें, चार्ट को जरा एक्सपेंड कर, चले। अच्छा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब मार्केट ड्रॉप करती है इम्पल्स की फॉर्म में, तो उसी की डायरेक्शन में, पहले हमने इम्पल्स देख ली, फिर उसी की डायरेक्शन में जब मार्केट करेक्शन करती है, तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म बाय सेटअप बनाती है, ठीक है। पहला हमने ये स्टडी किया, दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब मार्केट इम्पल्स बनाती है डाउन को और उसके अगेंस्ट करेक्शन करती है, ठीक है, तो हम फिर इम्पल्स की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, यानी अगर आपकी इम्पल्स और करेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इम्पल्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आपकी इम्पल्स और करेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो हम इम्पल्स की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, अब ये कहाँ अप्लाई हुई, कैसे हुई, अब इन चीजों को देखते हैं। ये देखें, यहां मार्केट ने क्या किया, कितनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आई नीचे को, यहां से यहां तक। अब जब इम्पल्स आई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, आपको एक चैनल कंफर्मेशन दी है उसने, ठीक है। इससे अच्छा चले मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, इक्वल लेवल्स, ये देखें, ठीक है। यहां मार्केट ने क्या किया, मार्केट टॉप से गिरी है, यहां से 1 2 3 4 और 5, तो ये वो चीज थी जिसकी बेस पे मैंने कल ग्रुप में भी एंट्री शेयर की थी,
सेटअप भी शेयर किया था और हम यहाँ से बाहर भी थे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही कॉन्फ्लुएंस मतलब जिसे कह लें, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है उसके साथ, कौन सी चीज़ है जो हमने अलाइन करनी है? अब ये तो M15 पे एक कंफर्मेशन थी, लेकिन अगर मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन लगा दूँ एडवांस में बगैर पीछे देखे, ये इस लेवल पे 1985 पे तकरीबन 85, ठीक है। अब ये एक मैंने लाइन लगा दी है, अब इस पे देखते हैं बैक एंड पे था क्या एक्चुअली, जिसकी बेस पे ये मार्केट यहाँ से बाय की है। अब अगर आप H4 पे जाएं, ठीक है, H4 पे इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ 1985 पे, ये तकरीबन, चलिए इसको मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं 1985, ठीक है। चलिए ये लाइन, ये अब ये 1985 पे क्या आपके पास, ये आपका एक IUF और ऑर्डर ब्लॉक दोनों अलाइन पड़े हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये पूरा एक जोन था IUF प्लस ऑर्डर ब्लॉक। अब जब पहले मैंने पूरा जोन निकाल लिया, M15 पे गया, तो उसी जोन में मैंने देखा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने उस जोन में आते ही एक चैनल बेस्ड कंफर्मेशन दी, ठीक है। पहली कंफर्मेशन चैनल बेस्ड, सेकंड कंफर्मेशन यही अप्लाई करते हैं लिक्विडिटी स्वीप बेस, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी ऊपर क्लोजिंग, ये इसका स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये इसका MSS स्वीप एक्सपेंशन एड्यूसमेंट और रीटेस्ट पे इसके यहाँ से बाय। तो देखें कितनी चीज़ें एक ही जगह पे हम दो से तीन तरीके से एंट्री ले रहे हैं। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक, यस सर, ठीक है। तो यही मोस्टली मैंने आपको हमेशा ही कहता हूँ, कंफर्मेशन के लिए तीन चीजें हैं मेरे पास जिनको मैं देखता हूँ, कंफर्मेशन टेक्निक्स, क्योंकि अभी हम एंटी टेक्निक्स को नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने ये चीजें शायद आपको इतनी देर में नहीं पढ़ाई। पहली MSS, दूसरी स्वीप स्वीप बेस चोक, तीसरी हमारे पास क्या आती है, मिटिगेशन ब्लॉक, फोर्थ पे आप अगर कंसीडर कर सकते हैं तो चैनल बेस्ड स्ट्रैटजी, ठीक है। ये देखो, ये चीजें अब हमारे पास, MSS का आपको पता है, स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर का आपको पता है, मिटिगेशन ब्लॉक शायद अभी आपने नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ लेंगे, उसका इशू नहीं है। और फाइनली चैनल बेस्ड स्ट्रैटजी जो मैंने पहले भी एक वेबिनार में कवर किया है, उसका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको आज दे, ठीक है। तो अभी हम एंट्री टेक्निक में ज़्यादा नहीं, सिर्फ सबसे पहले चैनल को स्टडी करेंगे कि चैनल बेस्ड ये बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप देखें तो मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं M5 पे, सुबह भी मैंने आज ये चार्ट शेयर किया था, सारी ड्राइंग रिमूव करते हैं, ये देखें सुबह मैंने एक चार्ट शेयर किया था ग्रुप में, आपको दोबारा दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से वो चार्ट था, ठीक है। पहला चैनल ये था, उस चैनल के बाद मार्केट ने ये एक कन्वर्ज किया अपने आप को इस जगह में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको अगेन बाय बताया था आप लोगों को, यहाँ से बाय जा सकता है। तो क्या था बेसिकली, यहाँ कौन सी चीज थी, ये देखें इम्पल्स अप, ठीक है, मार्केट ने ऊपर इम्पल्स की और इम्पल्स के अगेंस्ट उसकी करेक्शन थी। ये अगर इस पूरे सर चैनल को मार किया जाए तो तकरीबन यहां तक आता है ये, ठीक है। इम्पल्स ऊपर और इम्पल्स के अगेंस्ट इसकी करेक्शन और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर, ठीक है। ये एक वो बेसिक चीज है जो मैं तकरीबन सबसे पहले मेरे एक उस्ताद थे आमर साहब जिनसे मैंने सीखी थी, तो इसको मैं सम टाइम अप्लाई करता हूँ जब मार्केट मुझे कोई क्लियर इंडिकेशन स्वीप बेस MSS इन चीजों पर नहीं मिल रही होती, तो यहां से भी कम। लेकिन देखें हर चीज में रिस्क है, फॉरेक्स में रिस्क के अलावा कुछ नहीं है, रिस्क ही है सारा। आप किसी के पास कोई श्योर शॉट नहीं होती कि ये मैंने लगा दिया है तो ये जाएगी जाएगी, आपने अपने रिस्क को मैनेज करना होता है। अगर जो जिन लोगों के ट्रेड कॉपर पे अकाउंट है, आपने देखा होगा मेरा अकाउंट 500 में से $100 ड्रॉडाउन पे भी गया है, 150 पे भी गया है। वो एज अ टीम हम दो से तीन लोग लगे होते हैं, तो कोई समटाइम मेरी अपनी मिस्टेक, समटाइम किसी की, तो रिस्क में 0.01 से बड़ी लॉट लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो जब आप रिस्क को मैनेज कर लेते हैं और आपको डायरेक्शन का श्योरिटी होती है, तो फिर
मार्केट आती ही आती है, उसमें फिर कोई दो राय नहीं होती, फिर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर पहले गोल्ड हमने सेल किया है 2007 के लेवल से, 7 और 8 के लेवल से, वो आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में मैंने सिग्नल दिया था। सॉरी सर, अभी आपने एक और सेटअप भी तो शेयर किया थोड़ी देर पहले। वो बेसिकली इलियट वेव की बेस पे था, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा जो अभी हमने एक सिग्नल दिया था टेलीग्राम पे उसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको वो कैसे था। वो था बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक की बेस पे। अब मिटिगेशन ब्लॉक भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ छोटा सा हवाला दूंगा। मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट बाय जा रही होती है, ठीक है, बाय जाते जाते मार्केट जिस तरह देखें हाई लो हाई लो हाई लो बना रही है, ये वो स्विंग पॉइंट्स नहीं है, सिंपल हाई लो बना रही है। ठीक है, फिर मार्केट एक बार क्या करती है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाती है, फिर एक छोटा सा लो बनाती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। अब जब दोबारा ऊपर जाती है तो वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, वो उसके नीचे ही क्लोज करके अपने ही बने हुए रिसेंट लो को ब्रेक कर देती है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, यानी ये ऐसे, यानी मार्केट ने क्या किया, हाई लो बना रही है, यहां इसने हाई बनाया फिर लो बनाया, दोबारा हाई नहीं बनाया, स्विंग को फेल करके नीचे आ गई। अब ये जो स्विंग फेलियर है ना ये वाली, ठीक है, इस कंप्लीट ब्लॉक को कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये सारा क्या है इसका, मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। तो हम क्या फिर क्या करते हैं, जब मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक बनाती है, और एक सेकेंड, अच्छा, जब मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक बनाती है तो हम बेसिकली आफ्टर इंड्यूसमेंट, अगर तो किल जोन सेशन नहीं है तो फिर हम आफ्टर किल जोन सेशन नहीं है तो आफ्टर इंड्यूसमेंट हम इसको सेल करते हैं, तो अगर किल जोन रनिंग हो तो फिर हम विदाउट इंड्यूसमेंट भी इसको सेल कर सकते हैं। यह मिटिगेशन ब्लॉक सेल साइड का, और अगर इसको 100% इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ये है बाय साइड का, यानी मार्केट हाई लो बना रही है, अचानक एक स्विंग फेल करती है और उसी के ही रीटेस्ट पे हम इसको बाय करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जो आज की हमने ट्रेड ये ग्रुप में ड्रॉप की थी। ब्रेकअप ब्लॉक एक चीज है सर। सर इसमें इंड्यूसमेंट वाला पे मार्क करके दिखाना सारा सर, कुछ इधर मार्क इधर करते भी हैं, शो हो रहा है ना, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक, मैं आपको वही सर ये दिखाने वाला वाला हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक डिफरेंट चीज है, ब्रेकर ब्लॉक डिफरेंट चीज है। ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट प्रीवियस हाई की लिख भी स्वीप करती है, मिटिगेशन ब्लॉक में प्रीवियस हाई की लिख भी स्वीप नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक किधर है, यहाँ देखिए मार्केट ने क्या किया। अब मैं आपको पैटर्न पूरा बनाते हैं, ये देखें मार्केट ने हाई बनाया, लो अगेन हाई लो अगेन हाई लो, फिर मार्केट ने हाई और ये फिर छोटा सा लो और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये देखें यही अभी हमने यही पैटर्न देखा है। अभी इसमें ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक और एक्चुअल स्विंग पे आपका ये वाला। ठीक है, ये देखें ये मिटिगेशन ब्लॉक है। सर अब एंट्री इधर जब सर 50% पे लेंगे सर हम। एंट्री आप इसके मिटिगेशन ब्लॉक के 50% पे भी ले सकते हैं, इसके अंदर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो उसके अंदर भी ले सकते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक से ले सकते हैं। यहाँ मार्केट ने बिल्कुल यही कंप्लीट पैटर्न है, यहाँ से अगर मैं इसको उठाऊं तो ये देखें ये पूरा, इसी को मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। मार्केट जब इसके अंदर आई, अब मार्केट ने आपको दोबारा एक कंफर्मेशन दी, क्या कंफर्मेशन दी, ये मार्केट ने इसके टॉप को दोबारा स्वीप किया है M1 पे। इतने लो टाइम फ्रेम पे सिर्फ मैं जाता नहीं, लेकिन क्योंकि एक हाई लेवल था, हाई टाइम फ्रेम का एक जोन था, किल जोन ऑपरेशनल था, तो इसलिए लंदन क्लोजिंग के स्टार्ट में एक पुल बैक आता है मार्केट में, उसको ट्रेड किया गया है। ये स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन आई, ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सेल किया। ये पहली कंफर्मेशन मिटिगेशन ब्लॉक, सेकेंड ये वाली, तो देखिए मार्केट कितना ब्यूटीफुल गिरी है वहां से। ठीक है, सर ये अब यहाँ देखें मेडिकेशन ब्लॉक POI में
जरूरी है, मतलब अगर ये नॉर्मल मिटिगेशन प्लान मार्केट में बन आपका जाए वहां पे हम क्रेडिट। पीयूआई जोन में बने तो ज्यादा बेहतर है, पीयूआई जोन में बने तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, मिटिगेशन ब्लॉक आपको आपको पता लग गया है, चैनल का पता लग गया है, और एमएसएस आपको पता। तो सर अगली, इसमें इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है। मैंने वही कहा कि अगर विदाउट सेशन बन रहा है, एक बात अपने माइंड में रख लें एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर अपने माइंड में ये बात रखें कि जब भी आपने ट्रेड करनी है, अगर तो कोई किल जोन ऑपरेशनल है, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन, उसके अंदर कोई एमएसएस या कोई मिटिगेशन ब्लॉक बनता है तो आप विदाउट इंड्यूसमेंट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन रिस्क के आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ओके अगर सेशन के अलावा कहीं मिटिगेशन ब्लॉक या एमएसएस बन रहा है तो बेहतर है कि उसके अंदर इंड्यूसमेंट का बनना जरूरी है, वो हमारा रिस्क को मिनिमाइज करता है। रिस्क के तो खैर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि विदाउट सेशन जब भी ट्रेड लें तो आप इंड्यूसमेंट का वेट करें। लेकिन अगर सेशन के अंदर, बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में ही ये चीज बन जाती है, तो वहां आप विदाउट इंड्यूसमेंट भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्क स्टिल देयर, रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, फेल हो सेटअप तो ऊपर से दोबारा सेल बाय फाइंड कर। ओके तो सर ये अभी के जो गोल्ड के ट्रेड पे इंड्यूसमेंट थी क्या? अभी के, हाँ जी, ये देखे ना, ये मिटिगेशन ब्लॉक बनाया मार्केट ने, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, तो ये इसकी इंड्यूसमेंट थी, ये वाली, ओके ये वाला। फिर इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ जीनियर लिक्विडिटी बनाई है, ये वाली, ठीक है। चलें, यही दो से तीन चीजें इनको टेस्ट करें। सबसे पहले चैनल और मिटिगेशन ब्लॉक। एमएसएस का आपको थोड़ा सा नो हो है, समटाइम वो नहीं मिलता तो घबराने की बात नहीं, ये नहीं कि एमएसएस नहीं है तो ट्रेड नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आपके लेवल पे बिलीफ है कि वो लेवल होल्ड हो सकता है तो ट्रेड कर लें। फिर बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिनको कंफर्मेशन का पता ही नहीं है, आप बहुत सारे लोग डिस्कशन ग्रुप में भी हैं, लोग सीधा सेटअप पोस्ट करते हैं यहाँ सेल यहाँ बाय, क्यों, वो अपने हाई टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। अगर आपको आपके हाई टाइम फ्रेम की स्टोरी पता है तो आप वहां एंट्री ले लें, सिंपल उस जोन के ऊपर अपना एसएल लगा दें, लेकिन वहां क्या होगा, एसएल बड़ा होगा, लेकिन अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो आपका एसएल छोटा हो जाता है, ठीक है। ओके वन मोर थिंग सर, अभी जो रात को 9-10 बजे के बाद में जो ट्रेड मिलती है, सेशन टाइम नहीं है पर वो हमेशा जी, यूजुअली लाइक अभी रिसेंटली ट्रेड मिल रही है वहां पे। देखें, जो सेशन के बाद ट्रेड होते हैं, खासतौर पे रात 10 बजे के बाद, चाहे वो पाकिस्तानी टाइम है या इंडिया टाइम है, अगर आप रात 10 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो मोस्टली आप देखेंगे वो आपकी ट्रेड ड्रॉडाउन में चली जाएगी या आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, ठीक है ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्केट ने, ये जो सेशंस होते हैं ना, इसमें बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं, न्यूयॉर्क ओपनिंग में, लंदन ओपनिंग में, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके बैंक का जो ऑपरेशनल टाइम है वहां वो खत्म होने वाला होता है। जैसे इसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और या शॉप नहीं कहते, किसी गला मंडी में जाते हैं, यानी ऐसी मंडी जहाँ से आप कोई खाने पीने की चीजें, कोई गला, कोई इस तरह की चीजें खरीदते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अगर आप मार्केट के बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे गए हैं और आपको पता है कि सुबह मार्केट का रेट 1200 था और रात को 800 पे क्लोज हुई है, तो आप डेफिनेटली अगले दिन 700 रुपये की उम्मीद लेके मार्केट में आएंगे कि यार रात में 800 पे छोड़ के गया हूँ मार्केट, तो बड़ा चांस है कि मार्केट रात सुबह जब उठेगी तो मंदी की हालत में, यानी कि लेस रेट पे आएगी। ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप लोग, मेरा जी ख्याल है सर, जी सर ऐसा ही होता है सर। ऐसा ही है ना, यानी हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो जब बैंक्स क्लोज हो जाते हैं तो मार्केट जिस ट्रेंड में चल रही होती है वो मोस्टली वहीं, या तो वहीं रेंज करना शुरू हो जाती है या ऊपर नीचे लिक्विडिटी बिल्ड करके लोगों को ट्रैप करना शुरू कर देती है। तो बेहतरीन चीज यही होती है कि हम क्या करें, हम जैसे ही कोई अच्छा सेशन हो उस सेशन, इसलिए ट्रेडिंग 24 घंटे करने से अच्छा है कि आप सेशन में ट्रेड करें, ठीक है। मैं बाय नेचर स्विंग ट्रेडर हूँ, लेकिन अब मैं इंट्राडे पे तकरीबन 2 से 3 महीने पे आया हूँ ड्यू टू कॉपियर, वरना मुझे शौक नहीं था। मैं बहुत बार ट्रैप हुआ हूँ और इतना इंटेंसिव ट्रैप हुआ हूँ कि आप लोगों को भी पता है, जिन लोगों के अकाउंट है, कि मैं तकरीबन 20% 30% डाउन पे भी गया हूँ, लेकिन वो एक स्ट्रेसेबल मोमेंट इसलिए है कि क्योंकि वहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे कभी टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मतलब मुझे कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, इतना मैंने इन्वेस्ट करना है। कॉपियर पे लोगों की ये उम्मीद है कि हमें एट दी एंड ऑफ द मंथ ज्यादा नहीं तो 15 से 20% रिवॉर्ड मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो अकाउंट है वो
वो 1 से 2 बार ड्रॉडाउन में गया, लेकिन 188% अभी तक ग्रो हो चुका है। कुछ लोगों के अकाउंट पे 90% प्रोग्रेस शो हो रही है, किसी पे 50, किसी के 150, तो जो दरमियान में कॉपियर। यानी ओवरऑल स्टोरी ये है कि हर बंदा ट्रैप होता है। समटाइम आप अपने ही इमोशंस में ट्रैप हो जाते हैं, समटाइम आप मार्केट में बिला वजह बे टाइम एंट्री लगा के ट्रैप हो जाते हैं, समटाइम आप अपने सेटअप को छोड़ के दूसरे का सेटअप देखते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जिस तरह अगर मैं 5M15 की बात करूँ, जब यहाँ गोल्ड इस लेवल पे था, इस लेवल पे, तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग कर रहे थे इस लेवल पे, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। यही तो हम बीइंग अ स्मार्ट मनी ट्रेडर हमने क्या पढ़ा है कि लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, इट्स मीन लेवल ब्रेक, इसका मतलब है कि वो लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी उस जोन को या ब्रेक करने वाले या स्वीप करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप जितने भी ग्रुप्स में होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग 2 से 3 ग्रुप में होते हैं, तो ये वाला लेवल लोग बार बार सेल कर रहे हैं। और देखिए कितना सेल, ये नहीं कि सेल नहीं हुआ, यहाँ काउंट करें आप, फर्स्ट सेलिंग, सेकंड सेलिंग, थर्ड सेलिंग, फोर्थ सेलिंग। अब मार्केट ने कितनी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड कर दिया इधर। अब यहाँ सेंटीमेंट्स प्ले होते हैं, लोग बार बार सेल कर रहे हैं। यहाँ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ ये देखें, यहाँ बाहर निकली है और दोबारा अंदर चली गई है। ठीक है, तो फिर ब्रेकआउट ट्रेडर भी ट्रैप हो गए, यहाँ भी हो गए। लेकिन हम क्यों, सुबह सुबह मैंने आपको क्यों बाय का सिग्नल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाई टाइम फ्रेम से रिजेक्शन हुई है और ऊपर जो मेरा सेल जोन है वो यहाँ कहीं पड़ा है, इसके पास, इससे पहले मेरा सेल जोन नहीं है। क्यों, ये जो आपको नजर आ रहा है ना छोटे छोटे ब्लॉक्स, चलें ये भी आपको दिखाते हैं, इनको जरा मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग को। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, एक ये वाला, इसको जरा राइट साइड पे टोटल एक्सटेंड कर लें, और ये M15 का है और एक H1 पे भी है, सॉरी। ये M15 का है और एक 1 R पे भी है, ये वाला। ये आपकी दोनों हिडन सप्लाइयां थी, ठीक है ना। अब ये बाजार और आपको ये नजर कौन नहीं, से ब्लॉक है, मतलब ये कोई फेयर वैली गैप तो नहीं है, इसे आप क्या ये वाला। कहेंगे? अच्छा जी, ये देखें ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ और समझाता हूँ, इस चीज को देखें। एक ये वीक है और एक ये वीक है, जहां दो कैंडल्स की वीक इस तरह, यानी जितना नीचे जाए फिर उसके ऊपर जाए फिर नीचे एक्सपेंड कर जाए, ये जो दो विक्स का ज्वाइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं हिडन सप्लाई। ठीक है सर। ठीक है, ये हिडन ओबी जिसे कहते हैं, हाँ जी हिडन ओबी कह लें, या ये बेसिकली सप्लाई की टर्म में आता है। ठीक है, ठीक है। इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं कहता, समटाइम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी बनते हैं, लेकिन ये बेसिकली सप्लाई है। क्या होता है, क्या है बेसिकली होता ये है कि जब मार्केट ड्रॉप करती है ना हाई टाइम फ्रेम पे, ये शार्प ड्रॉप आ गया, 1 सेकेंड, ये एक शार्प सा ड्रॉप आया, उसके बाद मार्केट बिल्कुल इन साइड लो टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी कंसोलिडेशन करती है और फिर ड्रॉप कर देती है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली चीज है ना, ये वाली, ये वाली कंसोलिडेशन होती है। ठीक ठीक है है, सर। अब अगर हम इस जोन को अवेल्युएट करें या एक्सप्लोर करें फर्दर, तो आपको इसी तरह की कुछ मिलती जुलती शक्ल नजर आएगी। क्योंकि न्यूज टाइम था तो ये कोई 5 मिनट में तो नहीं, मे बी 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जहां जा कुछ बना हो। अभी इस जोन को हाईलाइट रखते हैं और देखते हैं 1 मिनट से स्टार्ट करके कि यहाँ क्या बना है मार्केट में, जहां न्यूज में ड्रॉप आया है वहां मार्केट ने क्या किया। ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं मार्केट ने बेसिकली यहाँ क्या किया है, मार्केट ड्रॉप हुई है, फिर जितनी ऊपर गई है उतना ही नीचे आई है, तो ये जो दरमियान में ब्लॉक बना था ये आपकी हिडन सप्लाई थी। ठीक है, वो एच ठीक वन है पे ज्यादा रिफाइन होगी। ठीक है, सही। ये देखें यहाँ इस जोन को देखें। ठीक है, तो जी सर, समझ आ गई। ये वो बेसिकली पॉइंट था, इसलिए यहाँ सेल भी देख रहे थे, सेल भी किया। दूसरा कॉन्फ्लुएंस ये था, ये तो लाइक हिडन सप्लाई थी, दूसरा कॉन्फ्लुएंस ये था कि मार्केट इस मेजर लेवल को ब्रेक करके आई थी रिसेंटली। एक सेकेंड,
ওকে ভাই, আমি জয়েন করলাম, ক্লাসটা শেষ করি। ये दो लेवल थे, ठीक है। इसको जरा चार्ट को थोड़ा सा जूम, ये ठीक है ना। अब हमेशा एक बात याद रखें, जो भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है ना, जिस तरह ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने बाय साइड का तो मोमेंटम दिया, अब यही ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होगा स्पीड के साथ, तो यही बाद में मार्केट को सेल साइड के लिए प्रोपेल करेगा। तो यहाँ हिडन सप्लाई, ये H4 का जो ऑटो ब्लॉक मार्केट ब्रेक करके नीचे गई है, इसने ही मार्केट को दोबारा नीचे रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये तो खैर आगे एंट्री टेक्निक, ये तो बेसिकली सारी गेम है आगे कि आप किस तरह मार्केट को देखते हैं, क्या कुछ करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपने बेसिकली क्या करना है, मिटिगेशन MSS का आप लोगों को पता है, चैनल आप लोगों ने थोड़ा आज देख लिया है, मिटिगेशन ब्लॉक के मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, सा तो दिया इस चीज को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। यहां तक दिया अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। दिया दिया सर, ये क्वेश्चन ये था कि जब थ्री डेज होता है सर, कब हमें पता चलता है ये कंप्लीट वर्सर है या नहीं सर? सॉरी, सर जब स्वीप बेस होता है, मार्केट एक तरफ स्वीप करती है, हाँ जी, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रिवर्सल हुआ होगा या नहीं होगा? बाद में सर ऊपर क्लोज यानी कि नीचे ऑब्वियस सर ही स्वीप बात कर दिया है। ऊपर, देखें, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो आपके POI जोन में हो रहा है तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है वो काम करेगा। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं अभी आपको, जो भी हमने स्टडी की है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 1 मिनट कर लेते हैं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है, ये मेरा एक सेल जोन था, ठीक है, और इसके साथ अगर मैं टोटल जोन ले लूँ, ये पीछे एक छोटा सा IUF पड़ा है, ये वाला जिसको मार्केट ने मिटिगेट किया है। अब ये एक मेरा POI जोन है टोटल, इसके अंदर मार्केट ने क्या किया आके, तो थोड़ा सा मैं जूम करूं, ये अब इसके मार्केट ने अंदर सर स्वीप मार्केट, करके नीचे को, सर बस सिंपल इज दैट के POI जोन में जब मार्केट स्वीप करेगी तो हाई चांस होता है कि मार्केट वहां रिएक्शन शो करेगी। ये आपका स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे, और देखें रिएक्ट नहीं किया। हम स्वीप स्वीप होते ही एंट्री ले लेंगे सर इधर। देखें, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम आपको कौन सा कंफर्मेशन के लिए देगा, मुझे तो जी कुछ नजर जी नहीं सर, जी आता। सर, जी ठीक और हो गया सर। आप देखें ये देखें H4 की हिडन सप्लाई, H1 की हिडन सप्लाई, H4 का फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, उसके अंदर एक मिटिगेशन ब्लॉक बना, उसके अंदर एक स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप छठी चीज को जाकर देख रहे हैं, छठी को भी कंफर्म करेंगे तो फिर आपने ट्रेड कर ली। फिर आपने यही कहना है अपने आप से, यार इतना पढ़ के भी ट्रेड नहीं कर पा रहा मैं। जितना आप चीजों जी को सर, सही, ज्यादा लेके भागेंगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग में ज्यादा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। कम टूल्स लेके ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी हिस्ट्री है, देखें ये H1 के POI जोन में स्वीप स्वीप बना, इससे पहले H4 के टाइम फ्रेम, H4 के ऑर्डर ब्लॉक में H1 का बना बाई साइड का, जो हमने नीचे देखा अभी, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसका क्या मतलब है कि स्वीप बेस चेंज ऑफ, ये जब हमने स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेक्चर पढ़ा था आज से कोई 1.5-2 महीने पहले, तो उसमें हमने यही तो प्रैक्टिस की थी, कहाँ फेल होता है कहाँ नहीं होता। तब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड की डायरेक्शन में स्वीप होता है वो पावरफुल होता है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, और तीसरी चीज जो POI जोन में होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बस यही जी दो सर, से जी तीन सर, चीजें हैं इसकी। अगर आप सिर्फ स्वीप जी बेस सर, को लेकर ट्रेड करना शुरू कर देना तो मैं नहीं समझता कि उसमें आपको फायदा नहीं हो सकता। जी सर, फायदा होता है सर। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक ही ट्रेड को देखें, एक जो अच्छा ट्रेडर है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका जो विन रेशियो कंसिडर किया जाता है ना ग्लोबली, वो है 33% विन रेशियो। जिसका 33% विन रेशियो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है, बशर्ते के उसकी जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो 1:3 हो। प्रोफेशनल जी ट्रेडर सर, जिसका 33% विन रेशियो है 1:3 के साथ, तो वो एक कामयाब ट्रेडर है। कैसे? उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखें, यहाँ आपने 100 ट्रेड्स लगाई हैं, ठीक है, 100 सेटअप्स प्ले किए आपने, ठीक है, आपका रिस्क रिवार्ड कितना है? 1:3, यानी आप 10 पिप स्टॉप लॉस ले रहे हैं, और रिवार्ड आपका कितना है?
30 पिप्स। 30 पिप्स सर। अच्छा, अब टेन जी पिप के सर, आपके 70 सेटअप फेल हो गए, तो कितने पिप लॉस हुआ? 700 पिप्स। 700 सर। अच्छा, अब जी थर्टी सर, पिप्स वाले आपके, सॉरी ये बनते हैं 67, 33%। अच्छा, अब ये आपका बन गया 33 सेटअप, आपके कामयाब हुए, तो ये कितना बन गया? 0990। 90। ठीक है, ओवरऑल आपका कितना जी सर, प्रॉफिट? 023। ठीक है, 320 भी पाप ओवरऑल, फिर भी प्रॉफिट में है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए आपको कोई एक्यूरेसी नहीं चाहिए, कोई अलादीन का चिराग नहीं चाहिए, 33% विन रेशियो, लेकिन रिस्क और रिवार्ड 1:3 हो। फिर आप 100 सेटअप ट्रेड करें, यानी 100 दिन ट्रेड करें, 67 डेज आपके लॉस में है, 33 डेज आपके प्रॉफिट में है, तो यू विल बी ओवरऑल इन प्रॉफिटेबल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लीप एज चेंज ऑफ करेक्टर बहुत ज्यादा नहीं, तो 50-60% उसकी एक्यूरेसी है। 50-60% का क्या मतलब है कि यहाँ अगर आप 50% सेटअप फेल हो तो ये बनता है 500 पिप्स, और 50% आपके सक्सेसफुल हो तो ये आपका बनता है 1500 पिप्स, यानी आप इजीली 1000 पिप्स अर्न कर सकते हैं। स्वीप एस आपका 50% सक्सेसफुल लगा लें, MSS आपका 70% लगा लें, और आपको क्या चाहिए? सिर्फ क्या चाहिए आपको? रिस्क और रिवार्ड, उसके साथ स्टिक करना और इसको प्रैक्टिस करना, इसके अलावा कुछ नहीं है फॉरेक्स में। जी, और कोई क्वेश्चन मिटिगेशन ब्लॉक या चैनल के रिलेटेड तो वो पूछ लें, बाकी इस चीज को प्रैक्टिस करें। एंटी टेक्निक पे हम देखें, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है तो मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। पहले तो मैं बोलता था तो खांसी आ जाती थी, तो इसमें हम ये करेंगे, इसमें अभी हम ये करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना ग्रिप कर लें, और आपको मैं कुछ चीज़ें और भी दिखाता हूँ चैनल के रिलेटेड ही। ये देखें, अभी मैं उस दिन भी ये सेटअप ग्रुप में भी शेयर किया था, ये वाला सेटअप, ठीक है, ये कुछ लास्ट वीक शेयर किया था। तो इसमें क्या था बेसिकली, इसमें ये था इम्पल्स डाउन थी और करेक्शन अप थी, और देखें गोल्ड कैसे नीचे आया। तो ये चैनल की स्ट्रेटजी है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी जगह पे अप्लाई करें तो आपको आइडिया होगा कि ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको जब भी अप्लाई करना है किसी भी स्ट्रेटजी को, चाहे वो MSS है या स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है या कुछ भी है, सबसे पहली चीज़ आपने जो हाई टाइम फ्रेम का POI जोन, ठीक है, सेकेंड आपका क्या हो वहाँ लिक्विडिटीज, एक बार स्वीप हो चुकी हो या ग्रैब हो चुकी हो, स्वीप या ग्रैब, तीसरे के बाद आपने फिर वहां MSS, स्वीपेस चौक, मिटिगेशन ब्लॉक या चैनल, फिर ये ड्रॉप करना है। सबसे पहला क्या है कि आपका वहां कोई हाई टाइम फ्रेम का POI जोन लाजमी हो, ठीक है, उसके बाद उस जोन के अंदर एक बार लिक्विडिटी स्वीप लाजमी हो, लिक्विडिटी ग्रैब हो या स्वीप हो, फिर वहां मार्केट MSS करे, स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर करे या मिटिगेशन ब्लॉक बनाए या चैनल बनाए, तो वहां ट्रेड लें। ट्रेड सक्सेसफुल है तो वेल एंड गुड, फेलियर है तो घबराना नहीं। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से क्वेश्चन शुरू करें सेटअप फेल क्यों होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ना सोचें। आप कहें फेल हो गया, कौन सी चीज मैंने स्किप की या आज मेरा दिन नहीं था, हो नहीं सकता, ये ट्रेडिंग में होना ही है। फॉरेक्स में स्टॉप लॉस और लॉस ये दोनों जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं, ठीक है। तो इन चीजों पे आप इस चीजों को देखें और इन पे प्रैक्टिस करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। एंड सर, आपने बोला था ना यूजुअली लाइक मार्केट वेनसडे को लोस बनाती है, तो दिस टाइम भी लाइक वेनसडे को ही लो बनाया था। जी बिल्कुल, ये वेडनेसडे को इसने बनाया है, ये देखें, ये 14 फरवरी वेडनेसडे, उसके बाद ऊपर, और ट्यूसडे को भी हाई बनाती है, वेडनेसडे को लो बनाती है। तो बेसिकली जब भी ट्यूसडे या वेडनेसडे हो और आपका कोई POI जोन हो तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें, ये बहुत प्यारी ट्रेड थी। आप जिन जिन लोगों को प्रीवियस डे हाई और लोस ट्रेड करने आते हैं, जो कि हमने वेबिनार में पढ़ा हुआ है,
तो मेरा नहीं ख्याल ये ट्रेड मिस होनी चाहिए थी, ये प्रीवियस डे हाई था। ठीक है, इसको मैं वन डे पे करके दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर दें। ये देखें, ये प्रीवियस डे हाई था, ये कैंडल चेक करें। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई था। दूसरा, इसके साथ ही आपका आईयूएफ जोन पड़ा था, ये कंप्लीट आपका एक आईयूएफ था, ये वाला, इसका 50% निकाल लें। ये देखें, प्रीवियस डे हाई, आईयूएफ का 50%, और उसके बाद अब लो टाइम फ्रेम पे चले जाएं आप। ये आपका लो टाइम फ्रेम आ गया। लो टाइम फ्रेम में आपके पास क्या कंफर्मेशन है? यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन, ठीक है, चैनल पहली। दूसरी आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉरी, दूसरी यहाँ पे आपके पास क्या कंफर्म हुआ? स्वीप, स्वीप के बाद नीचे क्लोज। खैर वो यहाँ तो मौका नहीं मिला क्योंकि वो न्यूज का टाइम था, तो मार्केट ने मौका दिया। स्वीप, नीचे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, चैनल फॉर्मेशन। देखिए कितनी ज्यादा आपके पास कंफर्मेशन आ गई है। तो सुकून से यहाँ ट्रेड, बड़ी प्यारी ट्रेड बनती थी। जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके एक्सपेंड और एमएसएस करे, तो प्रीवियस डे का लो आपका टीपी होता है। तो ये आपका टीपी सर था। ऐसे अभी हमें बाद में पता चलता है सर ट्रेड का ना, पहले नहीं, जब उस वक्त मार्केट मूव वो हो रही होती क्यों, है उस वक्त इतना नहीं पता। उसकी वजह ये है, लैक ऑफ ट्रेड प्लान। आप किसी किस किसने आप में से ट्रेड प्लान लिख के दीवार पे या कंप्यूटर पे या सामने लगाया कि जब मैं बैठूंगा तो इसको देखूंगा, इसको देख के ट्रेड करूंगा? सर किसी ने भी शायद नहीं लगाया होगा सर। तो यही वजह, जब लिख के सामने लगा होगा कि मैंने ये देखना है, ये नहीं है तो ये देखना है, ये नहीं मिलेगा तो ये देखना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर इंशाल्लाह ट्रेड्स भी मिलेंगी, सेटअप भी अच्छे मिलेंगे और आप उनको अच्छी तरह से प्ले भी कर सकेंगे। प्लीज प्रीव्यू द डेली सेटअप, डेली तो कैंडल। वन मोर थिंग, अभी आपने जो बोला था ना लाइक सॉरी, जब मार्केट स्वीप करके जो हाई बनाती है, जो लोएस्ट पॉइंट रहता है, मार्केट स्वीप स्वीप करके ऊपर जाती है, तो वो अपना वीक लो होता है। तो इसमें भी ये क्या वीक लो है, एटी देखें, फोर एटी फाइव पे? वीक हाई वीक लो, इन चीजों को स्ट्रक्चर मैपिंग की हद तक रखें। जब हम एंट्री टेक्निक पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम बेसिकली स्वीप बेस्ड एंट्री कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके हाँ जी, स्ट्रक्चर मैपिंग को स्ट्रक्चर मैपिंग पे रखें और एंट्री कंफर्मेशन को एंट्री कंफर्मेशन पे। अभी हम आज एंट्री कंफर्मेशन एंट्री टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो वहां पीयूआई जोन में जो होता है, वहां तो हम देख नहीं रहे होते कि मार्केट स्विंग बना रही है नहीं, वहां तो हम अपनी एंट्री को कंफर्म कर रहे होते हैं। उससे पहले प्रीवियस ट्रेंड हमने मैप किया होता है। ठीक है, सर, सर क्या प्लीज सर सर जब प्रीव्यू द जब डेली चार्ट। स्वीपिंग होती है, वन मिनट सर, जब स्वीपिंग होती है और मार्केट अंदर क्लोज होती है, देन ये एक सिग्नल है ना सर बाय करने के लिए करके, क्योंकि मार्केट नीचे गई नहीं, अंदर क्लोजिंग दे रही, सो देर आर चांसेस नहीं फॉर देखें, मार्केट अब ये क्लोज। मुझे पता है आप किस बेस पे बात कर रही हैं, ये आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे बात कर रही हैं, उसमें वो ऐसे कहता है, लेकिन लाजमी नहीं होता कैसा हो। इसकी मैं आपको दो से तीन एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कल की बड़ी प्यारी एग्जांपल है। यहाँ से चले, यहाँ से मार्क कर लेते हैं कहाँ गई ट्रेंड। ये देखें, ये इस कैंडल पे फोकस करें, ये जो रेड कैंडल है, देखिए इसने लिक्विडिटी स्वीप की और कितना स्ट्रॉन्ग अंदर आई है, इन्वर्टेड हैमर बना है। तो क्या मार्केट सेल चले गई है? जी नहीं, तो फिर यहाँ जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाले हैं वो क्या करेंगे? यहाँ देखिए, इन चीजों पे नहीं जाते। आपको जब ट्रेंड का पता है, आपको जब ये नहीं पता कि मार्केट जहां से रिजेक्शन ले रही है, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये जोन आपका H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। जब आपको ये पता होगा ना कि H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको पता होगा कि M15 इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके
ठीक है। ओके तो सर ये पॉइंट पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी, और ये नेक्स्ट दो कैंडल्स देखे ना सर, ये दो कैंडल्स ने राइट साइड पे दो कैंडल्स ने मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दी. सो ऑन दिस कंफर्मेशन आल्सो वी कैन टेक एन एंट्री फ्रॉम 50% बेसिस. देखिए ऊपर इसने क्लोज कर दी, किस साइड की एंट्री लेनी है? बाय साइड. आप बाय साइड की एंट्री लेनी है तो आप वेट करें मार्केट वापस आए किसी पीआई जोन में, या अगर आप 1 आर पे जाएं तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें 1 आर पे जब आप गए हैं तो यहाँ आपको क्लियर फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है ये वाला, तो जी हाँ यहाँ आप एंट्री का वेट करें। ठीक ठीक है. अच्छा, सम टाइम मार्केट आपके पीआई जोन में नहीं आएगी फेयर वैल्यू गैप में, तो उसको रिग्रेट नहीं करना, यही मैंने आपको टीच बता रहा हूँ कि रिग्रेट नहीं करना। हमने रिस्क को मिनिमाइज करना है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या डिस्काउंटेड जोन में एंट्री लेनी है। मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो पछताए नहीं। आपको इसी जगह पे यहाँ अगर ये कैंडल ने आपको एंट्री नहीं लेने दी तो इन दो कैंडल्स ने एक दूसरे को स्वीप करके यहाँ M5 पे स्वीप बेस चेंज ऑफ ट्रैक्टर बनाया, इस लेक्चर में रिकॉर्डेड भी है, वो भी देख लें। तो दोबारा उसकी रीटेस्ट पे फिर बाय, ठीक है? तो रिग्रेट नहीं करना, एंट्री मिस है इसका मतलब क्या है, या तो अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मतलब मैं अगर आप लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बिल गेट्स हूँ या कोई वैरन बफे हूँ कि भाई मेरे पास बिलियंस ऑफ फंड्स हैं या कोई बिलियंस ऑफ के मेरे पास एसेट्स हैं। मैं भी आप लोगों की तरह छोटा सा ट्रेडर हूँ, लेकिन बात मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का मकसद ये कि जो मैंने मार्केट से सीखा, जो मुझे आइडिया चले, वो तो मैं आप लोगों को बताऊँ ना, जी हाँ ठीक है? तो ये उसका पर्पज सर्व कर रहा हूँ। और सेकेंडली बात जो भी खत्म होगी वो आपके माइंड पे, आपकी साइकोलॉजी भी, आपकी प्रैक्टिस पे खत्म होगी। जो बंदा जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी अच्छी एंट्री मिल जाएंगी। लेकिन बात एंट्री लेना, ट्रेड करना कोई महारत नहीं, कोई बहादुरी नहीं होती। डेली बेसिस पे सेटअप बनते हैं, डेली बेसिस के सेटअप ट्रेड करने वाले नहीं भी होते, सम टाइम आपको वेट भी करना पड़ता है। तो बेहतर ये होती है, जिस तरह वो एक मगरमच्छ देखा है कभी पानी में, क्रोकोडाइल मगरमच्छ जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, हाँ क्रोकोडाइल कह लें, चलें हम थोड़ा देहाती हैं तो मैं पूछ लो। अच्छा क्रोकोडाइल बेसिकली क्या करता है, वो पानी में घात लगा के बैठा होता है सुकून से एक किनारे के ऊपर। अब वो क्या करता है, जैसे ही कोई हिरन, कोई जैबरा या कोई भी ऐसी चीज जो पानी पीने आती है, वो खामोशी से बैठा होता है, वो पानी पीना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पानी पी के हल्का सा उठते हैं तो वो उनका अपना ही मुंह जब पानी से निकलता है तो हल्का सा शोर पैदा, उसी दौरान उन पर झपट लेता है। यानी क्या मतलब है, वो सुकून से एक दिन बैठा रहता है, शाम तक बैठा रहता है, जैसे ही वो घात लगा के अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो अटैक करता है। वो ये तो नहीं करता कि पानी के किनारे बैठा है, वो खुश्की में भी जा सकता है, क्रोकोडाइल खुश्की पे चलते हैं, लेकिन वो ये तो नहीं है जो पानी से निकल के खुश्की में जाए, जाके शिकार पकड़े पानी में लेकर, नहीं वो बैठा रहता है। तो ये आपने घात लगा के बैठना है, आपने अपने टारगेट पीआई जोन को सेट करके बैठना है कि भाई ये मेरा जोन है, जहां मार्केट आएगी रिएक्शन मिला ट्रेड, नहीं मिला खाएं पिए एंजॉय करें, ठीक है ना? सर सर आप प्लीज, सेशन टाइमिंग्स का भी कह रहे थे ना, सेशन टाइमिंग्स लाइक ये कब इतना तो ट्रेड. हजम कर लें पहले सारा कुछ एक ही लेक्चर में। आज सारी ट्रेडिंग तो मैं आप लोगों को नहीं ना सिखा सकता, ना आप लोग कर सकते हैं। एक एक कंसेप्ट पकड़ा करें, उसको उस पर ग्रिप बनाया करें। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट लें उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाएं, स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने के बाद आगे मूव करें। हम क्या करते हैं, एक ईंट पकड़ी, दूसरी ईंट ऊपर रखी, तीसरी उसके ऊपर रखी, तो हमें लगता है कि भाई बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। नो डाउट बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, उसके अंदर सीमेंट, उनकी आपस में, अगर आप ईंट के ऊपर ऊपर ईंट रखते जाएंगे तो एक वक्त आएगा वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, एक ईंट रखी, दूसरी थोड़े से फासले पे रखी, तीसरी फिर उसके ऊपर दरमियान में रखी, जो उन दोनों को क्लब करती है, जो ब्रिज करती है दोनों को, फिर अगली दो उनके साइडों पे रखी, तीसरी ने फिर ब्रिज किया। तो कॉन्सेप्ट को पहले अलाइन करें, फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ उनको ब्रिज करें, फिर बिल्डिंग बनाएं, फिर आपको फायदा होगा। वरना जिस तरह वो बच्चे करते हैं ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, तो छठी सातवीं ईंट के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगी, फिर आप लोगों को समझ नहीं आती हो क्या रहा है मेरे साथ। एक कॉन्सेप्ट को लें, उसको ग्रिप करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे स्टडी करें, उस पर बैक टेस्ट करें। आप लोगों को मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी ने आज तक एक भी लेक्चर को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट नहीं किया, मैं गारंटी से कहने को तैयार हूं। कोई बंदा है तो मुझे बता दे ग्रुप में अभी। सर आई हैव चेक आउट विद डेली 4 आवर्स 15 मिनट समटाइम आई एम यूजिंग 1 आवर वो आप स्ट्रक्चर जस्ट मैपिंग की बात कर रहे हैं,
Yes, I हाँ have structure mapping. First, I have practice with daily हाँ 4 hours, two वो मुझे hours आइडिया आप or स्ट्रक्चर मैपिंग की बात कर रहे हैं, मैं बात starting कर रहा हूँ स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर की, मैं बात कर रहा हूँ एमएसएस की, किसने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज किया है? किसी ने भी नहीं किया, with यही तो बात है। ये मेरे ग्रुप में अभी एक लड़का हसनैन भट्टी साहब है, मेरे बहुत मौजूद मौजूद दोस्त हैं, वो शायद अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। जब मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को स्टडी करना शुरू किया था तो मैंने AUD USD उस पेयर को तो मैं 6 से 7 महीने बैक टेस्ट किया, हर हर कॉन्सेप्ट के स्मार्ट मनी को हर हर टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट किया। और यही वजह कि आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाकी भी पढ़े हैं, तो मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आती है स्विंग पॉइंट्स पे जाके, मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आती है एमएसएस पे जाके, मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आती है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आती है सेशंस पे, मतलब मल्टीपल जगह पे। तो वो चीजें कोई मैम मतलब बिना को मैंने को बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की, थोड़ी सी रिसर्च की है, लेकिन मैंने बैक टेस्ट से सीखा कि यार ये चीजें तो जिस तरह मेंटोर पढ़ा रहे हैं ये तो डिफरेंट होती जा रही है। आप बैक टेस्ट करें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप एक ही स्ट्रेटजी पे लग जाएंगे, एक पेयर एक स्ट्रेटजी ये सक्सेस है, 20 पेयर 20 स्ट्रेटजियां ये आपका टोटल फेलियर है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। एक पेयर एक स्ट्रेटजी इंतहा की बैक टेस्टिंग करें, आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। अभी आपने जो पढ़ा है इसमें मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई हैं, एमएसएस, स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर, मिटिगेशन ब्लॉक चैनल। हर बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं एमएसएस को, बाकी कुछ देखते नहीं है, वो भी डेली ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक टाइम जोन निकाला कि मैं सेशन के इस हिस्से में इस पेयर को ट्रेड करूंगा। मेरा एमएसएस यूरो यूएसडी पे बड़ा अच्छा काम करता है, गोल्ड पे मेरा चैनल बड़ा अच्छा काम करता है, इंडेक्स पे मेरा मिटिगेशन ब्लॉक बड़ा अच्छा काम करता है, ब्रेकअप ब्लॉक मेरा उस चीज पे। तो हर पेयर की एक नेचर होती है, जब आप जो भी आपका फेवरेट पेयर है, चाहे वो दीपाली है, मिश्किल है, हसन है, फहद है, शाहद है, जो भी लोग हैं, अपने फेवरेट पेयर को बैक टेस्ट करें और बैक टेस्ट करने के बाद उस पर देखें आपको फायदा क्या हो रहा है, कितने सेटअप फेल हुए हैं। जो भी आपको सेटअप मिलता है, जिस तरह ये एक सेटअप मैंने बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लें और 1 महीने में जितने सेटअप डाउनलोड आप करते हैं उनको एट द एंड ऑफ द मंथ काउंट करें कि मेरे इसमें से कितने सही निकले हैं। अगर आपने 1530, 2000, 1000, 500, 350, 60, 70 सेटअप निकालने हैं, उनकी विन और लूज की परसेंटेज तो निकालें, रेशियो निकाल के देखें, तो आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, देखें आप मुझे बताएं क्या जो मैंने आज तक आपको पढ़ाया है ये यूट्यूब पे मैंने नहीं बताया सारा कुछ? चलें कुछ चीजें होगी जो नहीं होंगी, मेजर पोर्शन 85% चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है ना यस सर, हमारे कोर्सेज में जो मैंने फ्री में पढ़ाया है, तो आप लोग क्यों इतनी फीस दे के क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? अगर आप लोगों ने बैक टेस्ट नहीं करना तो आप अपनी फीस जाया कर रहे हैं, तो वो मुझे तो इसमें कोई इशू नहीं है, मैं तो अपना आपको टाइम दे रहा हूं। तो वो चीजें अगर आपने वहां से नहीं सीखी तो यहां भी नहीं सीखेंगे, बैक टेस्ट वहां नहीं कर रहे तो यहां नहीं कर। आप बिलीव करें मेरे पास डेली के 5 से 6 लोग आते हैं सर जी पेड मेंटोरशिप, मैं उनसे 2 बातें पूछता हूँ, क्या आपके पास हराम के पैसे हैं? जी नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो फिर भी मैं उसको यही कहता हूँ, यार आप बिजनेसमैन हैं तो खुदा रहा पहले यूट्यूब से पढ़ लें, नहीं समझ आएगा तो मैं इधर ही हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको मास्टर क्लास दे दूँ। लेकिन बात तो वही है कि इतना करके अगर आप लोगों ने बैक टेस्ट नहीं करना तो फिर क्या फायदा है? ये 2 महीने की चले बाय गॉड ब्रेक आ गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी या तो तबीयत अपसेट थी, आप लोगों को चाहिए था स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर जो तो मैंने पढ़ाया था। चले एमएसएस पे तो अब्दुल रहमान ने क्लास दी थी, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी और डिटेल थी, मैंने आप लोगों के सेटअप भी देखे हैं। आपको चाहिए था ग्रुप में सन्नाटे के बजाय रौनक होती, आप लोग डेली सेटअप चाहे फेल भी हो शेयर तो करें, यार ये मेरा सेटअप फेल हो गया, चले उस पर डिबेट करें, यार ये रीजन हो सकती है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। देखें मैंने आपसे 2 महीने में ऑफर, आप लोगों ने क्या कर लिया? मैं 1 साल आप लोगों को टाइम ही दूंगा, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रेड सीखने का तरीका बताऊं, वो आपके अंदर है, आपके माइंड में है, आपकी विल पावर में है। आपके घर में जो मैरिड लोग हैं, देखें आपके 4 बच्चे होते हैं, किसी के 5 है, किसी के 3 है, किसी के 2 हैं। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? हम कहते हैं जी मैंने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवानी है, 4 बच्चे इंजीनियरिंग में डाल दिए, चारों नहीं पढ़ते, एक पढ़ जाता है, 3 फेलियर। क्यों? ना उनका इंटरेस्ट है, ना उनके अंदर का, ना उनकी विल पावर है, वो पढ़ना नहीं चाहते।
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप मेरे पास 10 स्टूडेंट की क्लास है तो लाजमी कि 10 के 10 सक्सेसफुल हो जाएं, वही होंगे जिनको शौक होगा, जिनको मजबूरी होगी। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल किसी की जिंदगी से नहीं देता, अपनी जिंदगी से देता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं था, मैंने दिसंबर में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट की है, वो भी ट्रेड कॉपियर पे। और हमारे ग्रुप में अभी मिस शकीला का अकाउंट अटैच है, अभी वो ऑनलाइन भी है। दीपाली का मेरे ख्याल $100 का अटैच है, हसन भाई का शायद $300 का या $200 का अटैच है, और अब्दुल रहमान का अटैच है। आप में से ही 5 लोगों के अटैच हैं। तो आपने देखा मैंने उसमें फेलियर की तरफ भी गया हूँ, लेकिन स्टिक टू द प्लान लगे रहे हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ लेकिन कर रहे हैं। एक वक्त आएगा शायद 1 साल बाद मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से अच्छी निकल जाए, क्यों इस पर मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। और ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों के अकाउंट है, ये अपनी रियल इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। और इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये नहीं है कि मैंने ट्रेड करना है, मैंने इंटर मोटिवेशन ये है कि चले यार किसी के घर का चूल्हा जल जाए। जो लोग ट्रेड नहीं कर सकते, चले ज्यादा नहीं तो महीने के $10-20 निकल ही आए उनके। तो मोटिवेशन जब तक नहीं होगी, जब तक आपको आपके घर के चूल्हे का ख्याल नहीं होगा, आपके बच्चों का ख्याल नहीं होगा, आपके पेरेंट्स का ख्याल नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद हैं। चलें जो तो बाहर बैठे हैं वो तो मैनेज कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें, बिलीव करें। मैंने 20 लेक्चर के बाद यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं किया, सॉरी 16 लेक्चर के बाद, और 20 वेबिनार हैं। मुझे डेली मैसेज आते हैं, मैं कहता हूँ यार जिसने सीखना है ना उसने इसी से सारा कुछ निकाल लेना है, जिसने नहीं करना मैं तो 300 लेक्चर और यूट्यूब पे डाल दूंगा। अगर मैंने यूट्यूब ही चलानी है, मैं तो डेली छोटे छोटे लेक्चर बना के डालता रहूँ। मिटिगेशन का अलहदा बनाऊँ, फिर मिटिगेशन के आगे टाइप्स बताऊँ, फिर स्वी बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर की बताऊं, प्रीमियम में बताऊं। लेक्चर बनाना बात नहीं है, बात यह है कि जितना बता दिया उन कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करें और उनकी बिल्डिंग बनाएं, उनके रूल्स लिखें, एक ट्रेड प्लान दीवार पे लगाएं कि ये ट्रेड प्लान है, इसको दे के मैं ट्रेड करनी है। तो मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ आप लोग कामयाब होंगे। ये दीपाली आप लोगों के सामने ही है, आप लोग भी सोचते होंगे समटाइम स्टार्ट में कि शी कैन डू स्ट्रक्चर मैपिंग, लेकिन अब देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रक्चर मैपिंग करती है, ट्रेड्स भी फाइंड कर रही है। बिकॉज वो उसने अपनी एक विल पार ये रखी है कि मुझे जरूरत है, ठीक है। वो अपने घर को सपोर्ट कर रही है, मिस शकीला है, ये अब्दुल रहमान है, इनकी अल्लाह पाक इनकी वालदा को सेहत है, थोड़ी सी पेशेंट है, तो वो ये बच्चा भी कोशिश करता है कि नहीं यार मैं कुछ कर लूँ। फाहद भाई शायद अब्रॉड में रहते हैं, वो भी इनकी स्ट्रगल होगी यार मैं ट्रेडिंग सीख के इंडिपेंडेंट हो जाऊँ तो ज्यादा नहीं तो 2-3 साल बाद पाकिस्तान मूव कर जाऊँ। तो एक मोटिवेशन आपकी अब होनी चाहिए, वो मोटिवेशन ही आपको ड्राइव करेगी। मैं तो यहाँ डेली आऊंगा, लेक्चर दूंगा, चला जाऊंगा, तो फायदा क्या है अगर अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करना। मेरे एक टीचर थे इकबाल साहब, अल्लाह जनतन सीब करे, तो मुझे ना नफरत थी मैथ्स में किसी जमाने से। 6th 7th 8th क्लास में मैथ में मैं वो स्टूडेंट था 50-60 नंबर लेके पास होना, तो मुझे ना 9th क्लास में मुझे उन्होंने अपनी ट्यूशन पे बुला लिया। मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, टाट स्कूलों का, मुझे कहते मेरा उन्होंने एक निक नेम रखा था, खैर वो नहीं मैं लेना चाहता, तो मुझे कहते तू ना इतने बैठ कर मेरे रहता, पंजाबी में कहते मेरी टांगों में बैठा करो पास आ गए। तो मुझे वो पढ़ा के ना मैंने ऐसे अपने हाथ पे सारा के सोए रहना सोए रहना। तो मुझे कहते बेटा मुझे पता है आप सुनते नहीं है, लेकिन एक कोशिश किया करें जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा होता है ना सवाल उसको हाथ से लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें। और मैंने पूछा नहीं सर से, सर इसका फायदा क्या होगा, उस वक्त नहीं मैंने पूछा, लेकिन वो कर करके मुझे उसका जवाब खुद ही मिल गया। उसका जवाब ये मिला कि 9th और 10th में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 200/200 मैथ में, और उसकी क्रेडिबिलिटी टोटली इकबाल साहब की। रीजन क्या, वो लिख लिख के मेरे आंखों में जवाब मुझे मेमोराइज हो गया, फार्मूले आंखों में बैठ गए कि यार ये a+b² ये होता है, a a-b² ये होता है, a²-b² ये होता है, तो वो चीजें मेमोरी में आ गई। मैं लिखता था तो हाथ कहते थे नहीं यार आप गलत लिख रहे हैं, आंसर वो नहीं आता था, मुझे लगता था यार ये आंसर वो नहीं आया, इसका मतलब मैं पीछे कहीं गलती कर आया हूँ। जब आप मैथ का एक क्वेश्चन 20 बार करते हैं तो आपको आंसर भी मेमोराइज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ट्रेडिंग है, एक चीज नहीं आती, करते रहें, चार्ट को देखते रहें, बैक टेस्ट करते रहें, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, आपकी मसल मेमोरी, आपकी आंखें, आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं फहद ये तो वो सेटअप नहीं जो आपने सीखा है, नहीं दीपाली ऐसा नहीं, अब्दुलरहमान ऐसा नहीं करना, MD ऐसा नहीं करना, राशिद, यानी आप आपको खुद पता चलेगा। क्यों? क्योंकि
जो बात हम सुनते हैं वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, बाद में हमारी मेमोरी ही हमें रजिस्ट करती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपका, आप जब छोटे थे, बिल्कुल छोटे से, ठीक है, आपके माँ बाप ने बताया कि नहीं बेटा छत से नहीं गिरना, गिरोगे तो मर जाओगे, गिरोगे तो चोट लग जाएगी, टांग टूट जाएगी। अभी आप उम्र के किस हिस्से में हैं? सारे लोग माशाल्लाह इसमें, कुछ लोग 40 ईयर्स के हैं, कुछ 30 के हैं, तो आप में से कौन डेयर करता है 30 बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग पे जाके छलांग लगाने की? है कोई आप में से? मैं नहीं समझता कि कोई कहेगा मैं छलांग लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन में ये बात सुन सुन के हमारी मेमोरी में ये चीज बैठ गई है, ठीक है। और इसी तरह खाने पीने की चीजें देख लें, गंदी चीज नहीं खानी। अब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग साथ ही हमें कहता है यह कि मैंने सोच लिया। क्यों? वो मेमोरी में वो चीज स्टोर हो गई है। वैसे खुशबू है फूलों की, गुलाब की खुशबू आपको महसूर करती है। क्यों? छोटे होते हैं हमने सुना है गुलाब बहुत प्यारा फूल है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, ठीक है, तो हमें अच्छी लगती है। तो जो भी चीज आप सोचते हैं ना, एटलीस्ट सोचना ही शुरू कर दें, अपने आप के साथ ये सोचना ही शुरू कर दें कि मैंने ये करना है, फिर आप कर लेंगे। कुरान जी की एक आयत है, उसका एक मफहूम है, अल्लाह फरमाता है कि जो आप इरादा कर लोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। जो सोचोगे जैसा सोचोगे वैसा मिल जाएगा, ये कुरान जी कहता है। तो मैं नहीं कहता इस चीज को कोई चैलेंज कर सकता है, चाहे वो कोई भी किसी भी रिलीजन का है। तो ये ऐसा ही होता है। अगर आप सोचते हैं ना कि मेरे जिस तरह वो सारे लोग सोचते हैं यार, मतलब मैं, मुझे कोई बुलाएगा नहीं, मेरी तो इनसे बनती नहीं है। अगर आप लोग ये सोचना शुरू कर देना मेरी इनसे बनती नहीं है या मुझे वो बुलाएगा नहीं, तो गारंटी की बात है कोई नहीं आपको बुलाएगा। अगर आप, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि नहीं यार, मैंने अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करना है, मैंने किसी का भला करना है, तो आपको जिंदगी में मौके मिलना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके पास बैठना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी गुफ्तगू से महजूज होंगे, बल्कि आपकी बात सुने बिना रह नहीं सकेंगे, वो कहेंगे नहीं यार उस बंदे के पास चलें, चलें कोई काम की बात बताएं, ठीक है। सारी बात नीयत से होती है, नीयत कर लें, सोचना शुरू कर दें, अच्छा सोचें। अगर आप ये सोचें ना लॉस होना है, तो वो होना है, फिर गारंटी से होना है। अगर आप ये सोचें नहीं यार मैं इस लॉस से निकलूंगा, मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा, तो वो भी आप हो जाएंगे। सारी गेम विल पावर की, ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में सक्सेस, जिंदगी में सुकून, रिलेशंस, फैमिली, सेहत, ईच एंड एवरीथिंग कमिटमेंट से है। और वो कमिटमेंट आपने दूसरे बंदे से नहीं करनी, सबसे पहले अपने आप से करनी, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें, मैंने हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग आपका करेक्टर है। अगर आपका करेक्टर बहुत स्ट्रांग है तो ट्रेडिंग में आप स्ट्रांग हैं, आपका करेक्टर ही ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। तो इस चीजों को प्रैक्टिस करें, अपने अपने क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग के अलावा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, पॉजिटिविटी रिलेशंस में, लाइफ में, लाइफ को बैलेंस करें, स्ट्रेस को लेना छोड़ दें। स्ट्रेस नेवर बी अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, इट कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकती। अगर कोई समझता है कि स्ट्रेस लेने से मेरे बहुत सारे मसले हल होते हैं, तो मुझे भी बताए, जरा हम भी लेना शुरू करें ताकि बाकियों को भी दें ग्रुप में एक ऐसा मैसेज करें, सब लोग टेंशन में आ जाए। तो स्ट्रेस कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिविटी, ठीक है। इस्लाम ने पॉजिटिविटी फैलाई थी औरतों के हकूक देने के लिए, इस्लाम ने मर्दों के, गुलामों के, ठीक है, लाइफ के, ठीक है, रिज़्क के, ईच एंड एवरीथिंग, इस्लाम ने पॉजिटिविटी दी थी लोगों को, और वो पॉजिटिविटी का ही असर आज तक हम 1400 साल बाद भी वो ले रहे हैं। तो पॉजिटिव हो जाएं ट्रेडिंग को लेके और ट्रेनिंग को लेके, और इस चीज पे स्ट्रगल करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ। मेरा एक एक बार मेरा एक दोस्त आ गया फ्लैट पे, कहता यार शुएब मुझे ना टेंशन बहुत होती है, मैं बड़ा स्ट्रेस रहता हूँ। मैंने कहा क्या रीजन है? कहता रीजन भी समझ नहीं आती, परेशानी से रहती है। मैंने कहा अच्छा, हम बैठ के गपशप होना शुरू होगी। मैंने उसे जाते जाते कहा, मैं कहा यार एक काम करो, आप ना एक सुन्नत को जिंदा करो, सुनते नबी को ही जिंदा करो। कहता क्या मतलब? मैं कहा आप देखें, बैठ के पानी पीते हैं, सलाम भी लेते हैं, सलाम में पहल भी करते हैं, सारा कुछ आप करते हैं, कोई ऐसी चीज जो रोजमर्रा करने में मुश्किल नहीं है लेकिन आप करके देखें। तो कहता क्या करूं? मैं कहा आपने ये करना है, वो मेरा दोस्त, मेरा कुलीग ही है इधर कंसाइनमेंट में, तो मैंने कहा आपने ये करना है बेसिकली कि आपने जो आपके लोअर लोअर रैंक स्टूडेंट, जिनको आप बंदे समझते हैं ना कि यार ये स्वीपर है या ये वो बंदा है, तो
तो आपने उसके साथ सलाम दुआ शुरू करने, ठीक है, यानी अपने से नीचे वाले लोगों का ख्याल रखना शुरू करने, तो जिंदगी में सुकून आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लड़का, मैं अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर की पोस्ट पे है, ठीक है, उसकी सक्सेस रेट मेरे से ज्यादा है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। सिर्फ क्या है, उसको मैंने एक बार ये बताया था कि अपने से नहीं चलूंगा, यानी आप भी अपनी जिंदगी में देखेंगे यार कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं करते। हो सकता है बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, आपके घर में वो चीज मिल जाए। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से प्लस माइनस में बात कर जाते हैं, आप उसी को सीधा कर दें, ठीक है, तो ये एक चीज आपके करेक्टर में आ जाएगी ना, तो बिलीव करें आपका करेक्टर भी स्ट्रांग होगा, आप मेंटली भी स्ट्रांग भी होंगे, पीसफुल भी होंगे, और ये बाकी रिजक शिजक कमाई पैसा ये आपको सेकेंडरी लगना शुरू हो जाएगी। सुकून से बड़ी दौलत कोई नहीं है, सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं, जिसके पास ये दो चीजें होती हैं वो सुकून में रहता है। चले खैर, अभी ये तो डिबेट होती रहती है, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अभी आप लोगों ने ये करना है, स्वीप, सबसे पहले स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर, इस पे आपने हर किसी ने मिनिमम कोशिश करें कि कम से कम 50 सेटअप फाइंड करें, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे जाएं, 1 मिनट पे जाएं, M5 पे जाएं, M15 पे जाएं, M30 पे, H1 पे, H4 पे, ये फाइंड करें और तो ग्रुप में पोस्ट करें। अच्छा, 50 50 सब करेंगे ना तो 500 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप 10 स्टूडेंट हैं, 50 50 सब करेंगे तो 500 हो जाएंगे, तो आपकी उन 500 की ओवरऑल अगर रेशियो निकाल लेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको फोरेक्स में किसी और चीज की जरूरत है या नहीं है। अभी आपके सामने एक छोटा सा स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है, कहीं नजर आ रहा है कहीं पे आपको? सॉरी, ये नजर आया आपको स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर? यस सर, ये स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वापस आई, पहले ही फेयर वैल्यू गैप में आई, ठीक है, ये पहला फेयर वैल्यू गैप था, सॉरी, चलिए ये लाइन लगा देते हैं, ये पहला फेयर वैल्यू गैप और आपका IUF दोनों इसके साथ ओवरलैप हो रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप ही थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है, पहला फेयर वैल्यू गैप और आपका ऑर्डर फ्लो दो ओवरलैप कर रहे हैं, और मार्केट ने देखिए उसमें टैप किया और बाय, ठीक है, तो ये देखें बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं चीजों से आपको बहुत ज्यादा इंशाल्लाह सक्सेस रेट मिलेगा। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना इंशाल्लाह कल सेकंड लेक्चर पे, कल आपको मैं MSS पे एक क्लास दूंगा, पहले अब्दुलरहमान ने दी थी, मैं कोशिश करूंगा उसी पे कुछ एक से दो वैल्यू ऐड करूं, तो यही दो चीजें सबसे पहले हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एंटी टेक्निक पे हमने कहाँ ट्रेड लेनी है वो बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे, हमें पहले पता तो हो कि कंफर्मेशन कैसे लेनी है, ठीक है, वो कंफर्मेशन पे पहले फोकस करेंगे, उसी के सेटअप फाइंड करेंगे, क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जो हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम पे सेम ट्रेंड बनता है, ठीक है, और उसी को हम रेप्लिकेट करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे POI जोन में, ठीक है ना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, सर, और आई हैव नेक्स्ट अ टाइम, क्वेश्चन इन डेली टाइम फ्रेम। आई हैव वन क्वेश्चन सर, जी जी पूछें, किस पेयर पे या कोई वैसे जनरल क्वेश्चन है? गोल्ड 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 सर, जी गोल, डेली। एक्चुअली सर, बिफोर न्यूज आई हैव वन कंफर्मेशन। हियर इज आवर FVG। FVG कहाँ पे है? आई हैव काउंट हियर, दिस इज द नॉट दिस वन, दिस वन, दिस वन आई हैव सीन। हियर इज द IBG नहीं, एक अगेन। तीनों आपने लगा दिए ना, कोई एक लगाए तो समझ आए, एक, ओके हाँ, वन बाय वन क्वेश्चन कर लें किसी भी जोन का, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ओके सर, फर्स्ट आई हैव फाइंड हियर, दिस वन इज आवर FVG, राइट? जी ठीक है, दिस इज द IBG, इज इट राइट और रॉन्ग? चलिए इसको जरा डिलीट करें, मैं देखूं यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, मेरा ख्याल है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ओनली दिस कंफर्मेशन आई हैव टेकन ट्रेड बिकॉज ऑफ डेली स्विंग हाई स्वीप, आफ्टर स्वीपिंग आई हैव टेकन ट्रेड इन दिस कैंडल ठीक है, इन द ऑल्सो न्यूज ऑल्सो विथ मी ओके, देखें दिस सेटअप इज ओके, राइट?
मैंने आपको कहा था कि पहले अपना ट्रेंड मैप किया करें H4 पे, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे SMC से। ओके सर, अब जब वो आप मैप कर लेते हैं तो उसके बाद डेली फेयर वैल्यू गैप को देखा करें टू फाइंड द नियर पॉसिबल फ्लड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जिस तरह गोल्ड आज आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़ा है, यस सर, ठीक है, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, और ये इसकी मिडिल लाइन है, इसको ओके कर दें, ये देखें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेक करती है, क्लोज करती है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये बाय चला जाएगा। इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया डेली कैंडल तो ये फिर बाय में चला जाएगा। दूसरी इंडिकेशन क्या है, क्योंकि ये H4 के ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस हो रहा है और डेली कैंडल फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर रही है, तो इस तरह कॉन्फ्लुएंस अलाइन करना है हमने। सिर्फ यानी डेली फेयर वैल्यू गैप देखा और ट्रेड लगाना शुरू कर दी, हमने कॉन्फ्लुएंस को अलाइन करना है। तो कल की जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है वो हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि या तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाए, ठीक है, या इस हाई को कोई एक दो पिप से स्वीप करे और फिर नीचे आ जाए, ठीक है, कल फ्राइडे है तो ये भी पॉसिबल है। ओके सर, लेकिन अगर यहाँ कोई डेली कैंडल ऐसी क्लोज करती है, यानी कुछ ऐसे, सॉरी, ये कुछ ऐसे क्लोज कर देती है कल की डेली कैंडल, ये नजर आ रही है आपको कैंडल जो मैंने इमेज ड्रॉ किया इधर। यस सर, अच्छा, जब ये अगर कल ऐसे क्लोज करगी तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो जाएगा, बड़े वाला ये वाला, और मार्केट ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना देगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपल इसके रीटेस्ट से बाय कर लेंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कल की कैंडल क्या बनती है, ठीक है, हो सकता है कल ये वाली कैंडल बन जाए कुछ इस तरह, ऐसे प्रीवियस कैंडल का हाई स्लाइड सा स्वीप हो और मार्केट नीचे ड्रॉप करे और इस कैंडल के ऊपर क्लोज करे 1996 के ऊपर, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, इनको कॉन्फिडेंस को अलाइन करके मैच करके हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा, लेकिन जो भी आप लोग सीखा है सुना है इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। ये जो लेक्चर है ज्यादा नहीं तो कोशिश होगी कि आधे घंटे के बाद ग्रुप में ड्रॉप कर दूं, इसका रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसको देखें फिर इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके सर, चल, सब लोग अपना ख्याल सॉरी, रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। ओके सर, अल्लाह हाफिज। इतने सारे लोग कहते हैं आप ही मारा पे भी देखो, मारा पे भी।